हेलो दोस्तों, मैं हूं नितेश और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान ट्रेवलर। यह वीडियो बहुत ही खास और जानकारी वाली होने वाली है जो बाबा धाम के सफ़र पर आ रहे हैं और आना चाहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप अगर सुल्तानगंज अजगैबीनाथ धाम पहुंच गए हैं तो ठीक है, और अगर नहीं पहुंचे हैं तो हर छोटे बड़े स्टेशन से आपको यहाँ पर स्पेशल ट्रेन भी मिल जाएगी। सुल्तानगंज के लिए बस तो हमेशा चलती है। यहाँ आने के बाद आप एक रात रुक सकते हैं, बाबा अजगैबीनाथ के दर्शन कर सकते हैं और बाज़ार घूम सकते हैं। फिर दूसरे सुबह आप माँ गंगा में स्नान करके जल का संकल्प करा करके बाबा धाम के लिए निकल जाइए। जब आप कांवर लेके निकले दोस्तों, तो आपको तुरंत पूरी एनर्जी के साथ नहीं चलना है, नहीं तो आपके पैर जवाब दे देंगे। कुछ दूर जा करके आपको धीरे धीरे निकलना है, और अगर दोस्त साथ में है तो बात करते हुए और बोल बम का जयकारा लगाते हुए आपको निकलना है। और रास्ते में अगर आप फलाहारी पे हैं तो कुछ ना कुछ ड्राई फ्रूट्स रखिए अपने साथ, वो और बाकी दुकानों में मिल जाती है खाने के लिए, लेकिन खाना आप हल्का फुल्का ही खा करके चलें। और अपने साथ एक बैग रखें जो पीछे टंगा हुआ रहना चाहिए, और उसी में आप अपना ज़रूरत का सामान जैसे कि कपड़ा या ड्राई फ्रूट्स या फिर पानी का बोतल रख सकते हैं, जो रास्ते में आपको कभी ज़रूरत पड़ सकता है। रास्ते में जहाँ रुकें अपने भींगे कपड़े सूखने दे दें, और अपने साथ दोस्तों आप दो तीन कपड़े एक्स्ट्रा भी ले जा सकते हैं जो हल्के हों, क्योंकि अगर हल्के कपड़े नहीं होंगे गाइज तो वो भींग अगर कपड़े भींगे हुए होंगे और हल्के नहीं होंगे तो वो आपको दिक्कत करेंगे रास्ते में उसको उठाने के लिए, उसको उठा के ले जाने के लिए। और एक बात दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बहुत से दुकानों में भी किराए पर बेड्स मिलती है, और रास्ते में बहुत सी धर्मशालाएं भी है जहां आप रात में रुक सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप धर्मशालाएं में जितना भी धर्मशालाएं हैं वहां पर रुकने का ही प्रयास करें, क्योंकि यह सेफ रहता है। और एक बात और गाइज कि आप रात में चलने से बचें कांवरिया रास्ते में, जितना हो सके रात में स्टे करें, या तो धर्मशाला में या फिर कोई दुकान में अगर बेड मिल रही है सस्ते में तो वहाँ पे रुक जाए। लेकिन दोस्तों आपको मतलब पूरे रास्ते में असरगंज से लेकर के इधर कांवरिया जो खिजुरिया पथ तक आपको रास्ते में धर्मशाला मिल जाएगी जहाँ पर आप रात में स्टे कर सकेंगे, और वह बहुत ही अच्छा रहेगा। रास्ते में आपको प्रशासन की ओर से भी और आम जो पब्लिक है उनसे भी आपको बीच बीच में पानी, शरबत और फल फ्रूट्स वगैरह मिलते रहेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा चीज़ है। और वैसे भी दोस्तों बोल बम के जयकारे के साथ आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको थकावट होगी ही नहीं, आप में एनर्जी बनी रहेगी। जब आप बाबा धाम पहुंच जाएं दोस्तों, तो बाबा धाम पहुंचने के बाद जिसके शरीर में पूरा थकावट आ चुका है वह देवघर आ करके अपने पंडा जी के यहाँ या होटल या धर्मशाला में आराम कर सकते हैं, और फिर दूसरे दिन लाइन में लग जाए जलार्पण के लिए। और जो बाबा धाम आके तुरंत जल चढ़ाना चाहते हैं वह 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब बाबा धाम आए और जब शिवगंगा में जाके पहले स्नान करें, फिर यह पता कर लें कि मंदिर खुला है कि नहीं, फिर आपको लाइन में जाके लगना है अगर मंदिर खुला है तो। और हाँ दोस्तों, आपको लाइन में भी सावधानी पूर्वक और अच्छे से चलना है, क्योंकि प्रशासन भी आपके साथ है, और आप जब धीरे से और अच्छे से जाएंगे तो आप अच्छे से जलार्पण भी कर सकेंगे। उसके बाद अगर आप जलार्पण कर चुके हैं तो आप एक दिन दो दिन आप रुक सकते हैं देवघर में, और देवघर के अगल बगल जो प्लेस है वहाँ पे आप घूम सकते हैं, और आप जितने भी हैं बाजार जो है वहाँ पे आप खरीदारी भी कर सकते हैं, और यहाँ की ऐसी चीज भी ले जा सकते हैं जो यहाँ का फेमस है, देवघर का फेमस है, वो अपने साथ भी अपने साथ अपने घर अपने जिले अपने गांव ले जा सकते हैं।
इस छोटी सी वीडियो में मैं जितना भी जानकारी दे सका दोस्तों, अगर वो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा वैद्यनाथ।